प्रो कबड्डी सीजन 8 का मैच नंबर 112 तेलुगु टाइटंस वर्सेस पुनेरी पल्टन के बीच में खेला जाएगा। आज के ट्रिपल पंगा का तीसरा मैच रहने वाला है एंड ये मैच भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे तेलुगु टाइटंस की टीम के पास अब हारने के लिए कुछ नहीं है एंड पुनेरी पल्टन का जो काम है वो यहाँ पे तेलुगु टाइटंस की टीम इस मैच में बिगाड़ सकती है। अगर पुनेरी पल्टन की टीम मैच जीती तो यहाँ पे इनके लिए सही रहने वाला प्लेऑफ के लिए और ज्यादा चांसेस हो जाने वाले की क्वालिफाई करेगी। अगर ये मैच तेलुगु टाइटंस की टीम पुनेरी पल्टन को हरा देती है तो यहाँ पे पुनेरी पल्टन के प्लेऑफ के जो रास्ता है क्लियर हो चुका है वो यहाँ पे और भी ज्यादा पुनेरी पल्टन को दिक्कतें में डाल सकती है। इस मैच में दोनों टीम्स का स्टार्टिंग सेवन रह सकते हैं, दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड, दोनों टीम्स को एनालाइज करने वाले पूरा मैच को डिटेल में प्रीव्यू करेंगे। तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि आज एंड कल के दिन आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन है एंड मेगा ऑक्शन में कई बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आने वाले हैं एंड इस पे भी मैं वीडियोस बनाने वाला जैसे कि प्रो कबड्डी में बनाता था। अब ये वीडियोस आप कहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस पे ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया जहाँ पे आपको सिर्फ क्रिकेट एंड आईपीएल के वीडियोज देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जरूर आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जैसे आप कबड्डी पे सपोर्ट दिखा रहे वैसे ही आप क्रिकेट चैनल पे भी सपोर्ट दिखाइएगा। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों आज के मैच के मैनर को जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पॉइंट्स का बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन के बारे में बात करेंगे कि इस मैच में दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन रह सकती है। देन दोस्तों दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की तरफ नजर डालेंगे कि आखिर हेड टू हेड में कौन सा टीम कल रहा भारी है। देन दोस्तों दोनों टीम्स को एनालाइज करने वाले एंड फाइनली एंड में प्रेडिक्शन करेंगे कि कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है। तो गाइस फटाफट यहाँ पे मैं आपको दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं तेलुगु टाइटंस की, तो गाइस अब तेलुगु टाइटंस के स्टार्टिंग सेवन देखने को मिल जाएंगे। रजनी, सुरेंद्र सिंह, सी अरुण, आदर्श टी, अंकित बेनीवाल, आकाश चौधरी एंड संदीप कंडोला, ये तेलुगु टाइटंस की स्टार्टिंग सेवन मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में रह सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं पुनेरी पल्टन की, तो गाइस अब पुनेरी पल्टन के स्टार्टिंग सेवन देखने को मिल जाएंगे। असलम इनामदार, अभिनेश नटराजन, संकेत सावंत, मोहित गोयत, नितिन तोमर, सोमवीर एंड विशाल भारद्वाज। पुनेरी पल्टन की टीम ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, विशाल भारद्वाज ये अच्छा नहीं खेल पाए, अदरवाइज बाकी सब प्लेयर ने अच्छा खेला एंड मुझे लगता है कि पुनेरी पल्टन के इस मैच में सेम स्टार्टिंग सेवन रह सकती है। अब दोस्तों बढ़ते अपने हेड टू हेड राउंड की तरफ, यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो गाइस अब तेलुगु टाइटंस एंड पुनेरी पल्टन के बीच में अब तक पीकेएल हिस्ट्री में टोटल 15 बार मैचेस हो चुके हैं जहां पे तेलुगु टाइटंस की टीम 6 बार जीती है एंड वहीं पे पुनेरी पल्टन की टीम 8 बार जीती है एंड एक बार जो मैच है वो यहाँ पे टाई में एंड हुआ है। तो गाइस यहाँ पे हेड टू हेड में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे पुनेरी पल्टन की टीम आगे चल रही है, लेकिन इस सीजन की बात करें तो गाइस यहाँ पे इस सीजन में भी पुनेरी पल्टन की टीम ने तेलुगु टाइटंस को हराया। तो ओवरऑल पुनेरी पल्टन का हेड टू हेड में पलड़ा भारी है। अब दोस्तों अब दोनों टीम्स को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेलुगु टाइटंस की, तो गाइस अब तेलुगु टाइटंस की टीम ने कुल यहाँ पे 18 मैचेस खेले जिसमें से एक मैच जीती है, 13 मैच हारी है, 4 मैचेस टाई है एंड इनके पास टोटल 27 पॉइंट्स है। तेलुगु टाइटंस की टीम के पास अब हारने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे पुनेरी पल्टन का अच्छा खासा काम बिगाड़ सकती है, बिकॉज यहाँ पे अगर तेलुगु टाइटंस की टीम ये मैच पुनेरी पल्टन को हरा देती है देन यहाँ पे पुनेरी पल्टन के आने वाले मैचेस डू और डाई हो जाएंगे। बात करते हैं परफॉर्मेंस के, तो गाइस अब तेलुगु टाइटंस के रेडर्स ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया जहाँ पे रजनीश चले, आदर्श टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन अंकित बेनीवाल उस हिसाब का नहीं चल पाए। बात की जाए दोस्तों यहाँ पे डिफेंस की, तो गाइस यहाँ पे डिफेंस ने भी एवरेज परफॉर्मेंस दिखाया था जहाँ पे सी अरुण हो गए, सुरेंद्र सिंह हो गए जिन्होंने अच्छा खेला, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आकाश चौधरी एंड संदीप कंडोला उस हिसाब का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। तो होप ये करते हैं कि डिफेंस में आकाश चौधरी एंड संदीप कंडोला परफॉर्म करे एंड सुरेंद्र सिंह तो चले रहे एंड रेडिंग में अंकित बेनीवाल एंड साथ ही साथ यहाँ पे रजनीश एंड आदर्श टी भी अच्छा खेले। अब दोस्तों बात करते हैं पुनेरी पल्टन की, तो गाइस अब पुनेरी पल्टन की टीम ने कुल यहाँ पे 17 मैचेस खेले जिसमें से 9 मैच जीती है, 8 मैच हारी है एंड इनके पास टोटल 47 पॉइंट्स है। पुनेरी पल्टन की टीम अभी पॉइंट्स टेबल पे 9वें स्थान पे एंड अगर ये मैच जीत जाती है तो यहाँ पे 7वें स्थान पे आ जाने वाली है। पुनेरी पल्टन की टीम के अभी भी 5 मैचेस बचे, इन बचे हुए 5 मैचेस में से इनको 4 मैचेस जीतने होंगे देन यहाँ पे पुनेरी पल्टन की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अब यहाँ पे अगर ये मैच पुनेरी पल्टन की टीम हार जाती है तो यहाँ पे आने वाले मैचेस पुनेरी पल्टन के डू और डाई हो जाने वाले, तो कैसे भी करके ये मैच
पुनेडी पलटन को जीतना होगा। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो गाइस यहां पे रेडर्स ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, जहां पे असलम इनामदार चले एंड मोहित गोयल ने क्या ही परफॉर्मेंस दिखाया एंड नितिन तोमर ने भी अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया। तो यहां पे रीडिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा इशू निकल के नहीं आ रहा है। बात की जाए दोस्तों यहां पे डिफेंस की, तो गाइस यहां पे डिफेंस ने अच्छा खेला, लेकिन सोमवीर को छोड़ के बाकी ऐसा कोई भी डिफेंडर नहीं था जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो यहां पे विशाल भारद्वाज हो गए, अभिनेश नटराजन हो गए, संकेत सावंत हो गए, तो यहां पे तीनों जो मेन बड़े बड़े डिफेंडर्स है उनको चलना होगा। अदरवाइज देखा जाए तो गाइस अभी पुणे की टीम ने लास्ट मैच में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया था। अब दोस्तों बढ़ते अपने फाइनल राउंड की प्रेडिक्शन की तरफ, आखिर जो मैच है वो यहाँ पे कौन सी टीम जीत सकती है। जरूर यहाँ पे तेलुगु टाइटन्स की टीम मतलब कि पॉइंट्स टेबल पे नीचे है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रही है एंड जयपुर को ऑलरेडी तेलुगु टाइटन्स की टीम ने हरा है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे पुणे की टीम एंड तेलुगु टाइटन का जो मैच होने वाला है वो यहाँ पे बराबरी का चल सकता है। बात करते हैं कौन सी टीम मैच जीत सकती है, मेरे अकॉर्डिंग ये मैच पुणेरी पलटन की टीम जीत सकती है। जी दोस्तों पुणेरी पलटन का कहीं ना कहीं थोड़ा सा पलड़ा भारी रहने वाला है, मैच तो बराबर का होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन यहाँ पे मैं पुणेरी पलटन की टीम के साथ जाऊंगा। आपके अकॉर्डिंग कौन सी मैच जीत सकती है, आप भी अपना प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो गाइस हो गई फैन करते हैं, आपको थोड़ी पसंद आए शुक्र लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।